हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर 5 है ऑर्गेनाइजिंग, उसके डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए आज हम लेक्चर 5 में आखिरी टॉपिक जो है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं क्या लिखा है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन रिलेटेड टर्म्स हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, दैट इज टॉप लेवल। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ही रख दिया है, उसको अथॉरिटी को जो है नीचे पास नहीं किया है, ठीक है, सारे डिसीजंस जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है, तो उस सिनेरियो में हम कहेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल जो है वो चल रहा है, यानी कि उसने पूरा पावर जो है डिसीजन लेने का वो अपने पास सेंट्रलाइज्ड रख लिया है, अपने टॉप मैनेजमेंट के पास सुरक्षित रख लिया है, उसने नीचे उसको डेलीगेट नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में 100% सेंट्रलाइजेशन को अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 100% सेंट्रलाइजेशन अगर होगी, यानी कि सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही सिर्फ होंगे, तो नीचे जो काम है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ओके, तो सेंट्रलाइजेशन जो है उसका मतलब ये है। अब आगे जो है डिस्कस करेंगे हम, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन का उल्टा है। सेंट्रलाइजेशन में हमने क्या कहा था कि डिसीजन मेकिंग का जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होगी, और डिसेंट्रलाइजेशन का बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या पावर जो है वो टॉप लेवल के पास तो होगी ही, साथ ही साथ हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, तो हर लेवल पे आप जितनी अथॉरिटी ज़रूरी है उनको काम करने के लिए, उतना अथॉरिटी आप प्रोवाइड करके पहले से ही अगर रख दो, इसको आप अपनी कंपनी की पॉलिसी बना दो कि हम हर लेवल पे मैनेजर्स को उनके ज़रूरत के हिसाब से अथॉरिटी दे देंगे, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये प्रिंसिपल जो है इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अलग है, यहाँ पर ये है कि सारा पावर जो है वो सेंट्रल नहीं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं होता है, बल्कि पावर्स जो है वो ज़रूरत के हिसाब से, जो डिसीजन मेकिंग के पावर्स हैं वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट मैटर से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डिसीजन, स्ट्रक्चरल डिसीजन, ठीक है, यही सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही सिर्फ होते हैं, और बाकी जो कॉमन डिसीजंस होते हैं, जो रोज़मर्रा की बिजनेस चलाने में जो डिसीजंस जो हैं वो लेने पड़ते हैं, वो लोअर लेवल में ये कर दिए जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, डेलीगेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो कोई भी 100% सेंट्रलाइज या कोई भी 100% डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता। सारे या मैक्सिमम, आप कह लो मैक्सिमम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक मिक्स्ड पॉलिसी फॉलो करती है। देखो, मिक्स्ड पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की, जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे फाइनेंशियल डिसीजन, स्ट्रक्चरल डिसीजन, एक नया प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करेंगे, बहुत बड़ा लोन लेंगे मान लो किसी बैंक से, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट मैटर्स जो हैं बिजनेस के, वो टॉप लेवल देखती है, और ये डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल ही ले सकती है। तो कुछ मैटर्स में तो सेंट्रलाइजेशन हमने मेंटेन किया है, और कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो कि कॉमन डिसीजंस हैं, जो रोज़मर्रा की बिजनेस ऑपरेशन में लेने पड़ते हैं, वो हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो एक मिक्स्ड पॉलिसी जो है वो ज़्यादा चलती है मार्केट में, जिसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एक मिक्सचर होता है। ओके, अब डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ फीचर्स जो हैं वो हमको देखने हैं। तो फीचर्स क्या हैं, सबसे पहला, डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन अ मियर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो सिर्फ अथॉरिटी को आप लोअर लेवल में जो ट्रांसफ़र कर रहे हो, ऐसा आप सोच रहे हो कि डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ हमने अथॉरिटी को लोअर लेवल में ट्रांसफ़र कर दिया, सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि इससे बहुत ज़्यादा है। अब पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कवर किया था, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कवर करने के बाद उस वीडियो पे एक कमेंट आया कि क्या सर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन सेम है। तो मैं कहूँगा आपसे ये कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पर एक चीज़ आप अपने दिमाग में अभी बैठा लो कि डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए डेलीगेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। विदाउट डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता,
लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन दोनों सेम नहीं है. ओके अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन का नेक्स्ट फीचर है इट इम्प्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी. डिस्पर्सल यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि यहाँ पर सेलेक्टिव अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. मतलब जो अथॉरिटी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बहुत चुन चुन के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कौन सी अथॉरिटी या कौन से पावर्स जो हैं वो किसको देने चाहिए. अच्छे से पहले डिसाइड कर ले रहे हैं उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. थर्ड पॉइंट है इट शोज द बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट कैपेबल एंड रिसोर्सफुल. तो डिसेंट्रलाइजेशन जब हम कर रहे हैं यानी कि अपने नीचे लेवल पे या मिडिल लेवल पे जो मैनेजमेंट है मैनेजर्स हैं उनको भी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स दे रहे हैं तो उस समय टॉप लेवल हमेशा ये सोचता है कि हमारे नीचे जो लोग हैं वो भी कॉम्पिटेंट है. सोचता है यानी कि वो ये बिलीफ रखता है अपने अंदर ये भरोसा रखता है कि चलो ठीक है हमारे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं मिडिल लेवल पे लोअर लेवल पे वो लोग भी कॉम्पिटेंट है वो लोग भी सक्षम हैं उनके पास भी रिसोर्सेज है. रिसोर्सफुल यानी कि उनके पास भी टैलेंट है उनके पास भी दिमाग है. अगर हम उनको डिसीजन मेकिंग पावर देंगे तो वो ज़रूर अच्छा डिसीजन लेंगे और बिजनेस के हित में ही डिसीजन लेंगे. ठीक है तो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट का नीचे लेवल के मैनेजमेंट पे ट्रस्ट या बिलीफ नहीं होगा तो कभी भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे. तो डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं मतलब वो नीचे वाले लोगों पे बिलीफ करते हैं. चौथा पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट दैट एम्प्लॉयज एंड मिडिल एंड लोअर लेवल कैन एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस. तो डिसेंट्रलाइज ये सेम पॉइंट है. तीन नंबर और चार नंबर बिल्कुल सेम टाइप का मीनिंग है. डिसेंट्रलाइजेशन से ये पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ जो मिडिल और लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से अज्यूम कर सकते हैं यानी कि निभा सकते हैं समझ सकते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जो डिसीजंस उनको लेने पड़ेंगे वो इफेक्टिवली अपने डिसीजंस जो हैं वो भी ले सकते हैं. इसीलिए उनको डिसीजन लेने का पावर जो है वो दिया जाता है. पाँचवा पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स. अब डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये कॉन्सेप्ट क्यों आया. डिसेंट्रलाइजेशन के बिना ही चल सकते थे हम सारा डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के पास ही छोड़ देते तो क्या जरूरत थी हमको डिसेंट्रलाइजेशन लाने की. डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए आया क्योंकि ये चीज़ हमको पता चल गई थी कि अगर आप कोई काम नीचे लेवल या मिडिल लेवल से करा रहे हैं तो उनको अथॉरिटी की भी ज़रूरत है उस काम को करने के लिए यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर की ज़रूरत है हर चीज़ के लिए हर छोटी मोटी चीज़ के लिए. वो ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट से आके पूछ नहीं सकते कि सर मैं ये कर लूँ मैं ये डिसीजन ले लूँ मैं ये. कुछ चीज़ें आपको उनके ऊपर छोड़नी पड़ेंगी वरना काम जो है वो सही तरीके से नहीं होगा काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा. तो यही चीज़ रिकॉग्नाइज हुई तब जाके डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो आया. ओके सिक्स्थ पॉइंट द टॉप मैनेजमेंट केयरफुली सिलेक्ट्स दोज डिसीजंस विच विल बी पुश डाउन टू द लोअर लेवल एंड दोज दैट विल बी रिटेन्ड एट हायर लेवल. ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पर फिर से डिस्कस कर रहा हूँ कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सेलेक्ट करती है कि कौन से डिसीजंस हमको नीचे लेवल पे पुश डाउन करने हैं यानी कि कौन से डिसीजंस ऐसे हैं जो हम अलाउ करेंगे जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर्स खुद से ले सके हमसे ना पूछने आए और कौन से डिसीजंस ऐसे हैं जो हम अपने पास रिटेन करेंगे यानी कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ले सकेगी. तो ये केयरफुली डिसाइड होता है सेलेक्ट होता है. ओके अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब मैंने आपको अभी बताया कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन सुनने में आपको एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन हैं अलग. लेकिन बिना डेलीगेशन के डिसेंट्रलाइजेशन आप नहीं कर सकते पर दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं. ठीक है तो वहीं पर यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में डिस्कस किया हुआ है. मैं पढ़ाऊँगा और आप ध्यान से इसको सुन के समझने की कोशिश करना. तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है. सबसे पहला पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन. देखो क्या लिखा है. डेलीगेशन तो हम जानते ही हैं कि जब एक मैनेजर अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट है उसको काम डेलीगेट कर देता है अथॉरिटी भी साथ में डेलीगेट करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दो चीज़ डेलीगेट होती है और अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है. ठीक है तो उसी का थोड़ा सा और उसको अगर और थोड़ा आगे ले जाएं डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट को तो डिसेंट्रलाइजेशन आता है. अब टेक्स्ट पढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ा ये चीज़ जो है वो डिटेल्स में डिस्कस करना चाहता हूँ. अब डेलीगेशन में क्या हो रहा था. एक सुपीरियर था और उसका एक सबऑर्डिनेट था. ठीक है तो सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को जो है कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहा है और उसके साथ कुछ अथॉरिटी भी डेलीगेट कर रहा है
उस काम को करने के लिए, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कुछ अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है और साथ साथ एक अकाउंटेबिलिटी भी सेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा पूरा सुपीरियर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबऑर्डिनेट को देगा, वो कितनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को देगा। ठीक है, ये सुपीरियर पे निर्भर करता है और समय समय पर ये चेंज हो सकता है। मान लो कि सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी दी है, बाद में उसको लगा कि ये सबऑर्डिनेट इतनी अथॉरिटी के लायक नहीं है, तो उसने अथॉरिटी कम कर दी, बढ़ा दी वगैरह, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेलीगेशन। ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ अलग है। क्या अलग है बताता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पूरा देखने की कोशिश करना, बीच में अपना पेशेंस मत खो देना। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, मैं TM लिखता हूँ, टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि किस लेवल पे, ये टॉप लेवल है मान लो, ये मिडिल लेवल है और ये नीचे जो है ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये है मिडिल लेवल और ये है लोअर लेवल। ओके, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एक पॉलिसी ही बना ली जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, परमानेंट पॉलिसी बन जाती है कि टॉप लेवल कौन से डिसीजंस लेगा, कौन से डिसीजंस हम मिडिल लेवल पे छोड़ देंगे, कौन से डिसीजंस हम लोअर लेवल पे छोड़ देंगे, किस बंदे को हमने क्या क्या डिसीजंस लेने के पावर दिए हैं, ये पहले से ही एक पॉलिसी के तरह डिसाइड हो जाता है। मतलब एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंडर। ठीक है, लेकिन डेलीगेशन में क्या हो रहा है, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है ये भी डेलीगेशन ही है। ठीक है, लेकिन ये डेलीगेशन एक पॉलिसी के रूप में है, यहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को जो डेलीगेट कर रहा है, आज मान लो मैं सुपीरियर हूँ, मेरे अंडर आप काम करते हैं, मुझे मेरे बॉस ने एक काम दिया, मैंने वो काम बोला कि तुम कर दो, मैंने अपने जूनियर को दे दिया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मैंने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ डेलीगेट कर दी। ठीक है, लेकिन ये केस टू केस बेसिस पे चेंज होता रहता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल पे अलग अलग तरह से अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं नोट्स में हैं, मैं पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल इतना समझ लो कि डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है जो पहले से ही पॉलिसी में तय किया हुआ है, और नॉर्मल डेलीगेशन जो है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, वो सुपीरियर अगर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ रैंडमली डेलीगेट कर देता है या कुछ काम जो है वो उसको देता है, तो उसको हम डेलीगेशन कहते हैं। तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विथ टू, तो इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विथ टू, मतलब ये टू कौन है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। वेयर एज इन डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाई मेनी, मेनी मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको ये जो चार्ट दिखाया, यहाँ पर मिडिल लेवल में काफ़ी सारे मैनेजर्स हैं यहाँ पर, और लोअर लेवल में भी काफ़ी सारे मैनेजर सुपरवाइजर्स हैं, इनके नीचे भी कुछ ऑपरेटर्स वगैरह होंगे जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो उनको भी कुछ अथॉरिटी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये जो सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया है अथॉरिटी का, तो यहाँ पर अथॉरिटी मल्टीप्लाई हो गई है काफ़ी सारे लोगों से, सिर्फ दो लोग इन्वॉल्व नहीं है डेलीगेशन में, सिर्फ दो लोग इन्वॉल्व थे, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, लेकिन डेलीगेशन में एक ही बार में आपने, सॉरी डेलीगेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन में एक ही बार में आपने पॉलिसी बना ली और पूरा जो है आपने अथॉरिटी को सिस्टमैटिकली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों में अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, चलिए इस एग्जांपल को पढ़ते हैं, समझने में जो है वो सुविधा होगी। तो इफ़ द डायरेक्टर्स गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोडक्शन हेड टू कम्प्लीट द टारगेट ऑफ 50,000 यूनिट्स पर एनम and authorize him to hire the required worker, decide the salary and working conditions. तो अगर कोई डायरेक्टर है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन का जो हेड है, डायरेक्टर के नीचे मान लो एक प्रोडक्शन हेड है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर इमेज बना हुआ है, डायरेक्टर यहाँ है और उसके नीचे एक प्रोडक्शन हेड है, तो डायरेक्टर ने प्रोडक्शन हेड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि 50,000 यूनिट्स पर एनम का प्रोडक्शन आपको करना है, कितना, 50,000 यूनिट्स का। ठीक है, एक साल में इतना प्रोडक्शन करना है, और इस प्रोडक्शन को करने के लिए आपको लोग जो हैं चुनने होंगे, आपको कौन कौन से वर्कर्स चाहिए आप चुन लो, उनको कितनी सैलरीज देनी है आप डिसाइड कर लो, और उनको क्या वर्किंग कंडीशंस देने, यानी कि उनको कितने घंटे काम करना है, काम करते वक्त उनको क्या क्या सुविधाएँ देनी है, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर लो। यानी कि डायरेक्टर ये सारी जो डिसीजंस हैं कि कितना सैलरी देना पड़ेगा, कौन कौन से वर्कर्स चुनने पड़ेंगे, उनके वर्किंग कंडीशंस क्या होंगे, वो डिसीजंस लेने की पावर जो है उसको डेलीगेट कर रहा है
किसको, प्रोडक्शन हेड को, ठीक है, वो इन सबसे मुक्त हो जा रहा है, वो अपना काम जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन हेड को दे दे रहा है। तो प्रोडक्शन हेड को जब उसने 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसके साथ अथॉरिटी भी डेलीगेट की कि ये डिसीजन आप ले सकते हैं। अब प्रोडक्शन हेड क्या कर रहा है, फर्दर शेयर्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नीचे प्रोडक्शन मैनेजर से फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहा है। देखो यहाँ नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन मैनेजर फर्दर शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी विद द प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन हेड ने प्रोडक्शन मैनेजर को आगे ये काम दिया कि ये टारगेट को वो अचीव करे और वर्कर्स को सेलेक्ट करे। द प्रोडक्शन मैनेजर शेयर्स हिज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद सुपरवाइजर। और प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहा है, अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर के साथ शेयर कर रहा है, हु डायरेक्टली डील विद द वर्कर। अब अगर प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर को ये काम आगे नहीं बढ़ाएगा तो काम होगा कैसे, क्योंकि सुपरवाइजर ही डायरेक्ट वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइजर को उसने ये पावर दे दिया कि तुम वर्कर्स को सेलेक्ट करो, तो सुपरवाइजर ही वर्कर्स को अच्छा पहचानता है, वही जानेगा कि कौन वर्कर प्रोडक्शन करने में एफिशिएंट है कौन नहीं है, ठीक है। तो ये जो शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी हो रही है ऊपर से, देखो ये जो डायरेक्टर था इसने अपने पावर्स प्रोडक्शन हेड को दिए, प्रोडक्शन हेड ने अपने पावर्स कुछ प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर ने सुपरवाइजर को दिए, सुपरवाइजर ने काम दिया फोरमैन या जो भी है उसके अंडर और मशीन ऑपरेटर वगैरह को। तो ये चीज़ जो है ये पूरा आपका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो दिस शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द डायरेक्टर प्रोडक्शन हेड मैनेजर सबऑर्डिनेट विल रिजल्ट इन सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल। यहाँ पर एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी हो रही है जो कि सिर्फ डेलीगेशन में नहीं होती है, ये सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन में ही होती है, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी या सिस्टमैटिक डेलीगेशन जो है इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर ही फर्क है, जब सिर्फ सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम पकड़ा रहा होता है तो वो हो गया डेलीगेशन, लेकिन अगर हर टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन हो रहा है पावर्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, तो वो पूरा इकट्ठा जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। यही चीज मुझे आपको समझानी थी। और दूसरा पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में, डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। अब कुछ कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सारा पावर जो है डिसीजन लेने का वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही रहे, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहे, वो लोग डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करना चाहते। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन डेलीगेशन के बिना जो है वो काम नहीं हो सकता। अब फर्क समझो, डिसेंट्रलाइजेशन में परमानेंटली जो है अथॉरिटी डेलीगेट कर दी होती है, एक पॉलिसी बना देती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि ये पावर्स जो है हमको नीचे डेलीगेट कर देना है, डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है। लेकिन डेलीगेशन में क्या, मैंने बताया कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को जब कोई काम समझा देता है कि तुमको ये करना है तो वो हो गया डेलीगेशन। तो डेलीगेशन बार बार होता है, अगर एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम देता है तो वो काम अगर सबऑर्डिनेट ने कंप्लीट कर दिया तो सुपीरियर फिर से अपने सबऑर्डिनेट को एक दूसरा काम देगा, फिर सबऑर्डिनेट उस काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है, यानी कि डेलीगेशन जो है वो हमेशा होती रहती है बार बार, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन, जो एक बार कंपनी ने पॉलिसी अपना ली कि इन चीज़ों का डिसीजन इस लेवल में लिया जाएगा, इन चीज़ों का डिसीजन इस लेवल में लिया जाएगा, वो परमानेंट होता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते, वो सारे या मेजर डिसीजन लेने के पावर्स जो हैं टॉप लेवल के पास ही रखते हैं, और टॉप लेवल फिर उसको डेलीगेट करती रहती है अपने हिसाब से, उसको जो लगता है, जब मन होता है तब डेलीगेट करती है, अगर मन नहीं होता है तो खुद भी डिसीजंस लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक डिफरेंस है, वो समझना ज़रूरी है। डेलीगेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। No organization can work without using the concept of delegation, as there is no individual who can do all the work by himself. अब मान लो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सारे डिसीजन लेने के पावर्स हैं, पावर्स हैं तो क्या हो गया, सारा काम क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट कर लेगी, प्रोडक्शन भी खुद कर लेगी, सेल्स भी खुद कर लेगी, क्या बोर्ड में बैठे हुए जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद जाएंगे बाहर सेल्स करने के लिए, नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, अपना काम डेलीगेट करेंगे। तो काम तो इनको डेलीगेट करना ही पड़ेगा, विदाउट डेलीगेशन काम कभी नहीं हो पाएगा। पर ऐसा हो सकता है कि पावर्स जो हैं ये सारे अपने पास ही रखें, ठीक है, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन उसका ना करें, जब किसी को कोई काम डेलीगेट किया तो उस हिसाब से उसको अथॉरिटी दे दी और काम खत्म, अथॉरिटी भी खत्म, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वही यहाँ पर लिखी हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज का ये टॉपिक, एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पॉर्टेंस तो बहुत है ही, विदाउट डिसेंट्रलाइजेशन जो है एक रिजिड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, डिसीजन वगैरह लेने में टाइम लगेगा क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही सारी चीज़ें होंगी। तो एक एक पॉइंट वाइज दिया हुआ है, चलो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स। अब पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडिल एंड लोअर लेवल शोज द ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ टॉप लेवल इन देयर सबऑर्डिनेट्स। मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस की है चीज़ कि जब आप अथॉरिटी को पास कर रहे होते हो मिडिल और लोअर लेवल में, इसका मतलब ये है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे ट्रस्ट करती है, तभी तो जाके अथॉरिटी पास करती है। और ये ट्रस्ट और फेथ जो है, जब नीचे वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जब समझते हैं कि टॉप लेवल हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है, हमारे ऊपर भरोसा करती है, हमारे ऊपर फेथ है उनका, तो फिर वो क्या करती है, वो ज़्यादा इनिशिएटिव से काम करती है, वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो फिर वो ज़्यादा इनिशिएटिव लेके काम करती है। ठीक है, डेवलप मैनेजेरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अगर सारी डिसीजंस मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ले रही है और नीचे वालों को सिर्फ ऑर्डर्स दे रही है कि ये कर दो वो कर दो ये कर दो वो कर दो, नीचे वालों को सोचने का डिसीजंस लेने का मौका ही नहीं दे रही है, तो नीचे वाले बंदों के पास अगर टैलेंट भी होगा ना, तो वो टैलेंट क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। जब आप अपने दिमाग को यूज़ करना बंद कर देते हो और रोबोट की तरह सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो, तो आपके दिमाग की क्रिएटिविटी, उसका टैलेंट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। लेकिन अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने डिसीजन लेने के पावर्स को नीचे लेवल पे डेलीगेट कर दे और उनको खुली छूट दे दे कि तुम अपने हिसाब से काम करो, खुद डिसीजंस लो, ठीक है, खुद समझो कि क्या डिसीजंस लेना ज़रूरी है क्या नहीं है, तो फिर वो क्या कर रही है, वो नीचे मिडिल लेवल और लोअर लेवल को ग्रूम कर रही है, यानी कि उनको तैयार कर रही है कि फ्यूचर में अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कभी जॉब वेकेशंस खाली हो जाएं या कुछ हो, तो ये मिडिल लेवल या लोअर लेवल से आप लोगों को प्रमोट करके टॉप लेवल में बैठा सकें। यानी इनकी तैयारी भी हो जाती है, इनकी ग्रूमिंग भी हो जाती है, अगर इनको खुद से डिसीजन लेने के पावर्स मिल जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्यूचर के लिए टैलेंट भी तैयार कर सकते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल लेते हैं इसी इमेज में कि मान लो सारे डिसीजंस जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने पास ही रख लिए कि सारे पावर्स हमारे पास, सारा डिसीजन हम ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो, एक सुई खरीदनी हो या हेलीकॉप्टर, सारी चीज़ें हम ही अप्रूव करेंगे। तो इससे क्या होगा, डिसीजन लेना बहुत डिले हो जाएगा। मान लो कि नीचे फैक्ट्री में एक किसी मशीन का एक स्पेयर पार्ट खराब हो गया है जिसको खरीदना है, तो ये चीज़ भी पूछनी पड़ेगी टॉप लेवल मैनेजमेंट से, और टॉप लेवल मैनेजमेंट से ऑपरेटर डायरेक्ट जाके तो डायरेक्टर से पूछ नहीं सकता, ये कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली फ्लो करेगी। जो स्केलर चेन है बिजनेस में, ऑपरेटर जो है वो सुपरवाइजर को बोलेगा, सुपरवाइजर प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन हेड को, प्रोडक्शन हेड फिर डायरेक्टर को, और इसका अप्रूवल भी जो होगा वो भी उसी चेन से नीचे फ्लो करेगा। तो एक स्पेयर पार्ट खरीदने में जो मान लो 5 मिनट लगता, ऑपरेटर कहता कि अपने वर्कर को कि जाओ वहाँ से वो स्पेयर पार्ट खरीद के ले आओ, वो खरीदने में 5 दिन लग जाएंगे और 5 दिन तक काम हैम्पर होगा। तो क्या ये चीज़ सही है? सही नहीं है। इसलिए अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे, छोटे मोटे डिसीजंस अगर आप ऑपरेटर के ऊपर छोड़ दोगे कि ठीक है भैया ऑपरेटर, अगर कोई स्पेयर पार्ट खराब हो रहा है या अगर मशीन में कुछ गड़बड़ी आ रही है, मैकेनिक को बुलाना है, तो इतना पावर हम तुमको देते हैं, तुम ये सब चीज़ खुद देख लेना, ठीक है, खुद समझ लेना, तो उसमें क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, क्विक स्पेयर पार्ट आ जाएगा और क्विक मशीन जो है वो काम करना चालू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में काम फास्ट होगा और डिसीजंस जो है वो जल्दी ली जाएंगे। और इससे देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ भी मिलेगा। अगर मान लो कि एक छोटे से छोटा स्पेयर पार्ट या मशीन रिपेयर कराना, या ऐसे काफ़ी सारे छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं लोअर लेवल पे, हर चीज़ के लिए फाइल अगर टॉप मैनेजमेंट के पास आएगी, तो ये लोग तो परेशान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ हम अप्रूव करें, कितनी चीज़ों को हम देखें। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं कि छोटी मोटी चीज़ों को नीचे वाले लोग, तुम ही लोग संभाल लो, तब हमको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन से टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है, और ये इसके कारण वो ओवरबर्डन नहीं होते और अपना जो फ्री टाइम है वो इम्पॉर्टेंट और कोर मैटर्स में कंसेंट्रेट कर सकते हैं, उसके लिए सोच सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट्स मोर ऑटोनॉमी और फ्रीडम टू लोअर लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन के कारण लोअर लेवल पे ऑटोनॉमी और फ्रीडम मिल जाता है, अपने डिसीजंस खुद लेने का पावर उनको मिलता है, फ्रीली काम करने का उनको मौका मिलता है। दिस हेल्प्स द सबऑर्डिनेट्स टू डू द वर्क इन द मैनर बेस्ट सूटेड फॉर देयर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली बात है, ठीक है। अब क्या हो रहा है,
कि फिर से वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक मशीन में एक छोटी सी खराबी आई है, ओके। अब यहाँ पर जो ऑपरेटर है, ठीक है, या ऑपरेटर का सुपरवाइजर है मान लो, तो इसको पता है कि कौन सा मैकेनिक जो है वो इस चीज़ को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, या कौन सा स्पेयर पार्ट है जो है उससे वो चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर वो डिसीजन ले तो वो ये बंदा क्या करेगा, डायरेक्ट उसी मैकेनिक को बुलाएगा या वो स्पेयर पार्ट लगाएगा। अब मान लो कि ये डिसीजन लेने का पावर आपने इस ऑपरेटर को दिया ही नहीं, और ये डिसीजन लेने का पावर जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे एक बंदे को आपने दे दिया, तो इससे क्या होगा, इस बंदे को एक्चुअली ये तो बहुत ऊंचे पोस्ट पे है, डायरेक्टर के पोस्ट पे, इसको मशीन की टेक्निकलिटीज के बारे में थोड़ी ना पता है, ये कभी मशीन तो अपने हाथ से चलाया नहीं है, तो इसको पता नहीं कि कौन सा स्पेयर पार्ट लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो इसको फिर कन्फ्यूजन होगी डिसीजन लेने में। हो सकता है कि स्पेयर पार्ट एक्स लगेगा और इसने मंगवा लिया वाई, हो सकता है कि मैकेनिक मिस्टर ए इस काम के लिए सबसे अच्छा होता लेकिन इसने मैकेनिक मिस्टर बी को मंगवा लिया, तो इस कारण से प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्यों होती है, क्योंकि जो बंदा जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है ना, वो बंदा उस डिपार्टमेंट को लोअर लेवल पे अच्छे से जानता है कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या हमको दिक्कतें आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अगर डिसीजंस वही ग्राउंड लेवल पे जो बंदा है वो ले, तो वो डिसीजंस ज़्यादातर बेटर डिसीजंस होती हैं और उससे ज़्यादातर सक्सेस जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठा हुआ बंदा थोड़ी ना जानता है कि ग्राउंड लेवल पे काम कैसे हो रहा है, वो तो सिर्फ ऊपर से बैठ के मॉनिटर कर रहा है, उसको टेक्निकल डिटेल्स जो है वो नहीं पता होते, तो इसीलिए उसके लिए हुए डिसीजंस जो है वो हमेशा पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर फैसिलिटेट्स ग्रोथ वाले पॉइंट में बताया। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, 7 और 8, पहले से मैं बता देता हूँ, 7 और 8 दो पॉइंट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ये पॉइंट्स पूनम गांधी के नए बुक 2019 वाले एडिशन में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। वैसे किसी को अगर पढ़ने का मन है तो आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं 6th पॉइंट तक ही आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि न्यू एडिशन में यहाँ तक है। तो बेटर कंट्रोल इन डिसेंट्रलाइजेशन, एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स टेक देयर ओन डिसीजंस एंड दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस, दे कैन नॉट पास द ब्लेम टू देयर सुपीरियर। With decentralization, better control can be exercised through scorecard management information system etc. अब क्या होता है कि मान लो production head है, ठीक है, production head के अंदर 3-4 departments हैं, मान लो 3-4 items आप produce करते हैं, तो 3-4 अलग अलग departments हैं, तो हर department का एक production manager है, okay? मान लो textiles का production हो रहा है, फिर यहाँ पर कुछ और medicines का भी production हो रहा है, तो हर department का एक एक production manager है। अब प्रोडक्शन हेड ने ऑथोरिटी डेलीगेट करके रखा है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर्स को, और प्रोडक्शन मैनेजर्स जो हैं उनको अकाउंटेबल भी बनाया गया है। तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है, अगर उसकी डिसीजन के कारण कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी प्रोडक्शन मैनेजर को ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा सिचुएशन होता कि मेडिसिन का प्रोडक्शन मैनेजर, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन मैनेजर, इन लोगों को खुद से डिसीजन लेने का पावर कुछ दिया हुआ नहीं है, सारा डिसीजन प्रोडक्शन हेड ही लेता है और इन लोगों को बस बता देता है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है, तुम बस ऐसे काम करो, तो इसमें अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या कभी प्रोडक्शन हेड प्रोडक्शन मैनेजर को ब्लेम कर पाएगा? प्रोडक्शन मैनेजर को अगर ये ब्लेम करने लगे तो प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा कि सर मेरी क्या गलती, आपने ही तो बताया था कि ऐसे करना है, डिसीजन तो आपका था, हमने तो सिर्फ फॉलो किया, अब गड़बड़ हो गई तो आप हमको डांट रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन में अगर आप डिसीजन लेने के पावर्स को अगर नीचे लेवल पे डेलीगेट कर दोगे तो आप उन लोगों को अकाउंटेबल भी अच्छे तरीके से बना पाओगे कि देखो डिसीजन लेने का पावर तुमको दिया लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी ही है, क्योंकि डिसीजन तुम ले रहे हो तो कहीं कोई गड़बड़ हुआ तो तुमको जवाब देना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो उस समय प्रोडक्शन मैनेजर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होके, बहुत ज़्यादा सतर्क होके काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर पाऊंगा अगर गलती होती है तो, क्योंकि डिसीजन जो है मैंने खुद लिया है और मैंने काम जो है वो अपने डिसीजन के हिसाब से करवाया है, तो अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है वो मेरी होगी और मैं किसी और पर अपना दोष चपा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए वो केयरफुल होके काम करता है, ठीक है। और इन डिसेंट्रलाइज कर देने पे आप अलग अलग प्रोडक्शन मैनेजर्स को उनकी डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर से जो है उनको ग्रेड भी कर सकते हो स्कोर कार्ड वगैरह से, और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको आप रिवार्ड भी दे सकते हो, इससे इनमें इनिशिएटिव भी बढ़ेगा, ठीक है।
तो वही पॉइंट यहाँ प्रोमोट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, और एक पॉइंट था यहाँ पर नीचे और इम्प्रूव्ड टीम वर्क। तो ये दोनों अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आंसर्स में लिखना चाहते हैं, तो ये दोनों भी रिलेवेंट है, पर नए बुक में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऑमिट कर रहा हूँ। ठीक है, चाहें तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 8 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के, जिसमें से 6 मैंने आपको पढ़ाया और 2 नहीं पढ़ाया, क्योंकि 2 नए बुक में नहीं है। फिर बोलना मत कि सर आपने नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, बहुत ज़्यादा बर्डन लें। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, एग्ज़ाम में जाके सही से उतना ही लिख के आओ, तो आपको पूरे मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं फिर से नहीं पढ़ रहा हूँ, पर आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ज़रूर पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लेना, अपने कॉपी में नोट कर लेना, फ्रीडम ऑफ एक्शन। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपसे पॉसिबल हो पा रहा है तो आप लिंक में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में ये बुक खरीद लो, काफ़ी अच्छी बुक है, आपको हेल्प भी हो जाएगी एग्ज़ाम में। ओके, देखो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत ही ईजी है, आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। तो इसी के साथ जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर था, चैप्टर 5 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़, वो यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शायद स्टाफिंग का है, उसको अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर में भी हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।